हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्नो मोबाइल में वाइब्रेट फोर कॉल क्या है, ये कहां पर मिलता है, इससे क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेक्नो मोबाइल में वाइब्रेट फोर कॉल टेक्नो मोबाइल का एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर मिलेगा और इससे क्या होता है। तो टेक्नो मोबाइल में ये सेटिंग लाने के लिए टेक्नो मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप यहाँ साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आपको वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल जाएगा। पहले से वाइब्रेट फॉर कॉल में नेवर वाइब्रेट सेट है, तो नेवर वाइब्रेट सेट रहेगा तो ये होगा कि आपका मोबाइल में कोई भी इनकमिंग कॉल आएगा तो आपका मोबाइल वाइब्रेट नहीं करेगा क्योंकि वाइब्रेट फॉर कॉल्स में नेवर वाइब्रेट सेट किया हुआ है। या यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑलवेज वाइब्रेट, अगर जो आप इस पर क्लिक करते हैं तो वाइब्रेट फॉर कॉल्स में ये सेट हो जाता है। जैसे आप वाइब्रेट फॉर कॉल में ये सेट हो गया ऑलवेज वाइब्रेट, तो ये सेट करेंगे तो इससे ये होगा कि आपका मोबाइल में इनकमिंग कॉल आएगा तो जो रिंगटोन सेट रहेगा वो तो बजेगा ही, उसके बजने के साथ साथ आपका मोबाइल वाइब्रेट भी करेगा क्योंकि आपने वाइब्रेट फॉर कॉल्स में ऑलवेज वाइब्रेट सेट कर रखे हैं। या यहाँ पर एक और ऑप्शन है वाइब्रेट फर्स्ट देन रिंग ग्रेजुअली, तो अगर जो आप इस पर क्लिक करके ये सेट कर देते हैं तो इससे ये होगा कि आपका मोबाइल में कॉल आएगा तो आपका मोबाइल पहले जो है वो वाइब्रेट होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका मोबाइल का रिंगटोन बजेगा अगर ये सेट करते हैं तो। तो आपको जो भी सेट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि वाइब्रेट मेरा मोबाइल नहीं करे इनकमिंग कॉल आए, इसलिए मैं यहाँ नेवर वाइब्रेट सेट करता हूँ। तो आपको जो भी सेट करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किसको सेट करने से क्या होता है। तो इस तरीके से आप जो है वो वाइब्रेट फॉर कॉल सेटिंग का यूज कर सकते हैं टेक्नो मोबाइल।